इस बार मुझे सुंदरबन टाइगर का लेदर चाहिए। इम्पॉसिबल। सोच लो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी $50 मिलियन। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ओके, सी यू लेटर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका काम हो जाएगा। क्या तुम कर पाओगे? नहीं सर, एक आदमी है जो आपका काम कर सकता है। ये लो मेरा कार्ड, फिर उसे बुलाओ। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, क्या मैं उस आदमी से बात कर सकता हूँ? है जैक, जरा मिलो इनसे। आप नितिन, आपको मुझसे क्या काम? काफी अजीब लगता है, एक आदमी तो पहले गैंगस्टर चलाता था, फिर आप होटल में शेफ। आप ये कहने के लिए आए मिस्टर नितिन? चलो मुद्दे पर आते हैं। देखो, हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सुंदरबन टाइगर का खान इंटरनेशनल बाजार पर इसकी सौदा कर चुके हैं। इम्पॉसिबल है, तभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू अपने टीम के साथ वहाँ जाकर लेदर लेके आओ। बदले में तुम्हें 50 मिलियन दिए जाएंगे। उन्हें अपने टीम में बांटो या अपने पास रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। मंजूर है?
देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, कल सुबह तक का टाइम है, अपना फैसला सुना देना। जल्द ही मुलाकात होगी मिस्टर जय। ये तुम्हारे काम आएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर नितिन, ना मुझे आप पसंद है और ना ही आपका काम, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। तो आप जल्दी से एक टीम बनाओ जिसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट और जाल बनाने वाला हो, फिर दिए गए पते पर अपनी टीम के साथ कल शाम 4 बजे मुझसे आके मिलो। ये तो मान गया। देखना भाई ये बार बार बंद हो जाती गाड़ी। तो तेरे हिसाब से ये गलत है? जरा सोच जाए, बात सही गलत की नहीं, बात खतरे की है, और ये काम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तो तू नहीं आएगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो आएगा? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो सोच क्या रहा है तू? जब मेरे से मिलने आया था तुझे तभी पता था कि मेरा जवाब क्या होगा। जरा सोच पीटर, न जाने इतने सालों से हमने कितना क्राइम किया, बदले में क्या मिला। लेकिन इस बार खुद के लिए कुछ करने का मौका मिला है। अगर मर गए तो? मर गए तो क्या, कोई तो जिंदा बचेगा। $50 million 50 मिलियन मुझे कितना मिलेगा, कुछ तो सोचा ही होगा तुमने। तेरा मेरा और रॉकी को 15-15 मिलेंगे, और बाकी को तो हम बताएंगे तब ना। तो आ रहा है मेरे अलावा तू जाता भी किसके पास? पता नहीं मैं वहां जाके जिंदा वापिस आ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है वहां जाके मेरा किस्मत बदलेगी। ये तो मान गया। तेरी माँ की आग। काम कैसा चल रहा है? बस मरवा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्या कह रहे हो? हमें एक काम के लिए तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, तो पैसा कितना मिलेगा? अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन के $2 million मिलेंगे। $2 million? इतनी सारी रकम सिर्फ मुझे मिलेगा? $2 million अगर सब कुछ ठीक रहा तो?
ना होने का कोई चांस नहीं, अपन करेगा भाई लोग। तुम जानो नहीं चाहोगे इसमें कितना रिक्स है। अबे रिक्स की माँ की यार, $2 मिलियन के पर देखे जिंदगी में? देख भाई अपन की लाइफ ना इस वक्त झंड हो रखी है, $2 मिलियन मिलेगी ना तो लाइफ चलेगी नहीं, लाइफ टेकअप कर लेगी, क्या समझे? अपन की तरफ से तो हाँ है। पक्का तुम्हें कुछ नहीं जानना? अब मेरा काम हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ है ना। हाँ तो फिर अंगूठा लगवा लो, अपन आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं बदला ना, तो अब कहाँ चले? अब जंगल जाने के लिए हथियार तो चाहिए होगा। करीब 102 आइलैंड है यहाँ पर। हर 6 घंटे में जब पानी ऊपर चढ़ता है तो जमीन का 30% हिस्सा उसके अंदर चला जाता है, सुंदरबन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर अपने हार्ट रेट को काबू में रखोगे और अपने शरीर को योगी की तरह साउंड फ्री रखोगे तब भी पसीना आना कम नहीं होगा। सुंदरबन खारे पानी में बसा है। एक बात समझ लो, आप लोग मेरे कहने पर यहाँ आए, अगर किसी को इस मिशन में नहीं आना, दिस इज टाइम टू लीव। तो तुम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट करने आ रहे हो, जानते ही जाओ तुम लोग सुंदरबन के बारे में। 4,264 square kilometers में फैला हुआ ये जंगल हिंदुस्तान और बांग्लादेश में समाया हुआ है, और अगर तुम में से कोई भी वाटर क्रॉस करके बांग्लादेश जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और सुंदरबन में वही जा सकते हैं जिन्हें जंगल की नॉलेज हो, बाहर के लोगों को तो परमिशन भी नहीं है। लेकिन सर हमारे पास तो परमिशन है। हाँ ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, पर हमारे दो ऑफिसर भी तुम्हारे साथ जाएंगे। ओके सर। अब ये पीटर पे कहाँ रह गया? तो ये दो ऑफिसर हमारे साथ जा रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। गुड शॉट पीटर, थैंक्स कैप्टन। सब अपने अपने हथियार ले लो। बिकॉज आई एम राइट। पीटर, राशि, एग्रीमेंट बंद करो, चलो। अब इसको क्या मिल गया यार? जैसे हम इंसानों के पैरों के निशान एक जैसे नहीं होते, वैसे बात के पग निशान भी एक जैसे नहीं होते। आजा पानी में गिर गया।
और कितना दूर है? और थक गया यार। होता जंगल निकला पोटी। ये गंदे क्यों गंदी जी साथ खेल रहा है? तो छह ये पत्ते के पीछे क्यों पड़ गया यार? ये केवड़ा है, अगर मेरे हाथ इन तक नहीं पहुंच सकते तो हिरन भी इन तक नहीं पहुंच सकते। अगर हिरन यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब बाघ भी यहाँ पर नहीं है। What nonsense, ये क्या पागलपन है? हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ उसी पे ही फोकस करेंगे, बाकी इस जंगल को हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सॉरी कैप्टन, आई एम सॉरी।
इस जंगल में इंसान बहुत कम आते हैं, जो भी आते हैं जंगली जानवर का शिकार करने आते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हम तो बस डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए थे। तो तुम्हारे हाथों में हथियार? सेल्फ डिफेंस की टीम। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया, ये जंगल इतना खतरनाक है, तुम्हारे पास ऐसा कोई हथियार भी नहीं है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लगता था यहाँ से कुछ समय पहले। चुपचाप खेलने बोलछी जीत, एकदम जीत कर बिना ना मैं खाबो ना। आबार मुखे मुखे तर्क जाबा हबे ना बोलछी तो हबे ना। ना मैं जाबो 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 जीत एक चार मार बोलछी। আমি যেতে দেবো না বলে রাগ করে ভাত খাবে না বলছি। ঝগড়া করার কি দরকার? বুঝাই বললেই কত শোনে। দেখ বাবা, জঙ্গলে আছে বাঘের ভয়, সেখানে বাচ্চাদের যেতে নেই, কখন একটি কি বিপদ হয় কেটা বলতে পারে। আমি গিরিজে যদি বিপদ হবে তার তো কোনো মানে নেই, সেটা তো তোমার সাথে বলতে পারে। দেখেছে দেখো তো আমার মুখে মুখে তর্ক করছে, তুমি কিন্তু মার করে চার খাও না। সারা জীবন দিন না রাত তোর জন্য খেটে মরছি, তুই ছি আমাদের একমাত্র ছেলে, তোকে নিয়ে আমাদের কত স্বপ্ন, তোকে জীবনে কদিন কোনো অভাব কষ্ট হতে দেয়নি, তোকে যে লেখাপড়া শিখে চাকরি নকরি করতে হবে, সারা জীবন বাবার মতো জঙ্গলে গিয়ে মাছ ধরবি সেটা আমরা চাই না। যে বাবা বাবা একবার বাবা কোনো দিন জেদ করবো না, আমি মন দিয়ে পড়াশোনা বাবা কথা দিচ্ছি। ঠিক আছে বাবা নিয়ে যাব, তবে একটা কথা কি বাবা? এটাই প্রথমবার আর এটাই শেষবার। ঠিক আছে বাবা। নেই এবার খেয়ে নে। বাবা আমার আগুন যাবো। আয় আয় মুখ ধুয়ে আসো। ঠিক আছে বাবা। বাবা দাঁড়া দাও। দিচ্ছি
এই নাও। শোন বাবা, সাবধানে থাকিস, জঙ্গলে গিয়ে নৌকা থেকে একদম লাগবি না। আর সবসময় মা বনবিবির নাম জপ করবি, দেখবি কখনো কোনো বিপদ আসবে না। ঠিক আছে, চল চল। আর শোনো, ওর খেয়াল রেখো। ঠিক আছে। ঠাকুর, মা বনবিবি, ওকে তুমি রক্ষা করো মা, ওকে তুমি রক্ষা করো। হরিশদা এখন এলো না, সবাই মিলে না ধরলে এটা হবে না। কী হলো রে, একসঙ্গে কী ধরতে হবে? নৌকাটা বসে গেছে। জিপটি বাবারে এগুলোকে দিয়ে ছিল না রে মধু, ওর শখ হয়েছে আমাদের সাথে জঙ্গল দেখতে যাবে। ও হো, আমরা যেরকম পেলি মাছ ধরি তাই তুমি দেখবে। আর জঙ্গলও দেখবো। সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু বাচ্চাদের জঙ্গলে নিয়ে যাবি? তুমি কি বলতে চাচ্ছ আমি বুঝতে পারছি বাবুদা, ব্যাপারটা হলো কি আমি আর ওর মা তো ওকে বুঝেই পারলাম না। জঙ্গলে আমাদের কিছু হয়ে গেলে বাড়ির লোকগুলো ভালো আছে, এটা ভেবে মরেও শান্তি পায়। আর তুই? বাবুদা বড় অসভ্য কথা কয়, ছেলেটা একটা মন নিয়ে বাড়াছে তা না, আমার এত কোনো মানুষ আছে, কিচ্ছু হবে না। চলো তো, ওটো 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 ওটো। বাউ বাবা, হরিণ হরিণ। ও তুই দেখ, জঙ্গলে পায়খানা পেলে মাটিতে করতে নেই, পাতা বিছিয়ে তার উপর করতে হয়। কেন? মা বনবিবির জঙ্গল নোংরা করা উচিত না, এতে মা বনবিবির অসন্তুষ্ট। ও তাই? হ্যাঁ, চিন্তা করার কিছু নাই, আমরা সব আছি তো, সব সেটাই দেবো। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে জঙ্গলটা দেখ। ওই দেখো হরিশদা, বাবা ওটা কি? এখানে কিছুদিন আগে বাঘে ধরিল, তার গায়ের লোকেরা বাঘের মুখের থেকে তার লাশটা ছাড়াই নিয়ে যাওয়ার সময় তার রক্তমাখানি জামাটা এখানে টানায় দিয়েছে, যাতে পরে করে যারা আসবে তারা দেখে সাবধান হতে পারে। এই তাড়াতাড়ি চলো গো, চোখ খোলা রেখে চলবে। বাবা সব দেখলাম, কিন্তু বাঘ তো দেখলাম না। যে বাঘ আছে বনের রাজা, কখনো যে কারে দেখা দেয়। কোথায় বলে না, সাপের কাটা আর বাঘের দেখা কপালে থাকলে হবেই হবে। তুমি তাকে না দেখতে পেলেও সে তোমাকে ঠিকই দেখতে পায়। জিত, এখানে বসে থাকবি, এদিক ওদিক হেঁটতেও যাবে না, আমি ওই দিকটা আসি, দরকার পড়লে আমাকে ডাকবি। এখানে কীভাবে মাছ ধরবা? নিজের চোখেই সব দেখতে পাবা। Thank you.
জঙ্গলে পায়খানা পেলে মাটিতে পড়তে নেই, মাটিতে পাতা বিছিয়ে জীব জন্তু তোমায় কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু আমি तब से इस जंगल में हूँ और जंगल की रक्षा कर रहा हूँ। ओके जीत, मैं अब जा रहा हूँ, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे।
अपना ध्यान रखना और हाँ इस जानवर को नुकसान मत पहुँचाना। कहाँ रह गया था पीटर? कहीं नहीं, बस जंगल को अच्छे से जानने गया था। वो सब छोड़, हमें पता चल गया वाघ के बारे में, आज रात उसे पकड़ के ही छोड़ेंगे। पीटर तू कहाँ रह गया था? एक टाइगर तो मिल गया हमें। 2 मिलियन डॉलर, आज तो मजा ही आ गया, आज तो पार्टी खाओगी पार्टी। और तुम्हारा सूट कैसा चल रहा है? मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। हम लोग यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री शूट करने नहीं आए हैं।
हम लोग यहाँ पर टाइगर का शिकार करने आए। हमारा दादा और परदादा ने जो जानवर देखे उनमें से आधे हमारे पिताओं ने नहीं देखे। हमारे पिताओं ने जो जानवर देखे वो हमने नहीं देखे। आज जानवर हम देख रहे हैं, कल को हमारे आने वाली पीढ़ी शायद ये देख पाएंगे। सिर्फ लालच और व्यापार के लिए जंगल से पेड़ काट कर लकड़ी ले जाते हैं, हाथी को मारकर इनके दांत ले जाते हैं। हर कोई शहर से आकर जंगल से पैसा बना रहे हैं, सारा जंगल बेच खाएंगे तब भी इन्हें कम पड़ेगा। मुझे समझ आ गया जी, हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आज रात हम फिर से जाल बिछाएंगे, लेकिन ये तुझे रोकना होगा। ये ले, आज रात का सारा इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे दूंगा, तुझे ये रोकना ही होगा। इसका मतलब इस जंगल में हमारे अलावा भी कोई है। तो अब क्या करें? अभी के लिए सब अपने कैंप में चलो। पीटर, पीटर, ये कौन है जो हमारे साथियों को एक एक करके मार रहा है? पता नहीं कैप्टन, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हो रहा है, तभी तो हमारे साथ ऐसा हादसा हो रहा है। ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कल सुबह वापस चलते हैं यहाँ पे। हमारा काम तो बन चुका है, ये लोग डर चुके हैं। किससे बात कर रहा था? कहाँ, किसी से तो नहीं? झूठ मत बोल पीटर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ कर रहा था, और करूँगा भी क्यों नहीं। हम जो ये कर रहे हैं ना जैक, बहुत गलत कर रहे हैं। पीटर, तू मेरा दोस्त है, भाई जैसे मानता था तुझे, और तूने ही मुझसे गद्दारी की। मार जैक, मार गोली मार। तू मेरा दोस्त था, तू मेरा दोस्त था, तू मेरा दोस्त था, भाई जैसा मानता था तुझे, इसलिए तेरे से तेरी आखिरी इच्छा पूछ रहा हूँ। बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है, हम पूरी कर देंगे। मेरा आखिरी इच्छा ये है कि मैं तेरे बंदूक से नहीं मरना चाहता। मैं भी तुझे मेरे बंदूक से नहीं मारूंगा।
तूने तो तेरे दोस्त को मारना चाहा ना, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। बाघों को जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि हमें। अब कुछ ही बाघ बाकी हैं, अभी भी वक्त है। आओ सब मिलकर फिर एक बदलाव लाएं, हर एक बाघ की जान बचाएं। एक्शन।